गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारी कोर ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और यार, कोई भी वीडियो का लिंक भेजना हो आप यहाँ पे थोड़ा कम भेजा करें, ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे भेजा करें, वहां से हम लोग देख लेते होते हैं। बिल्कुल। तो जल्दी साथ अपने इंट्रो की तरफ। मैं वजाहत और मेरे साथ मैं हूँ बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग किस्म की है। तो वीडियो का टाइटल पे आते हैं, तो इंडियन जुगाड़ दैट विल ब्लो योर माइंड। मतलब इंडिया तो जुगाड़ों में वैसे भी आ गया है। बहुत सही बात है, जुगाड़। मतलब आजकल तो जुगाड़ ना हो तो हो ही नहीं सकता कि जुगाड़ ना हो। अंग्रेज भी रान हो रहे थे देख के, लगा कैसे वही था। तो जल्दी से देखते हैं वो कौन कौन से जुगाड़ है जो इंडिया ने किए हुए हैं। तो जल्दी काउंट डाउन करते हैं जिन जुगाड़ पे इंडिया फेमस है। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत में जुगाड़ की कमी नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में ज्यादातर काम जुगाड़ से ही होते हैं। यहाँ हर कोई अपने आप में इंजीनियर है, कोई किसी चीज का तो कोई किसी और चीज का। सब अपने अपने जुगाड़ के माध्यम से इंजीनियरिंग किए हुए, जो कि इंजीनियर लोगों से भी आगे बढ़कर इंजीनियर बन जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने खुराफाती दिमाग के होते हैं कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ चलती रहती है। देश की आधी आबादी तो रोजमर्रा की जरूरतों को जुगाड़ से पूरी करने की कोशिश करती है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे देसी जुगाड़ लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, सही में ये भारत का ही जुगाड़ हो सकता है। ऐसा जुगाड़ सिर्फ भारत वाले ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रूबरू कराते हैं आपको भारत के कुछ अनोखे और देसी जुगाड़ों से। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शतरंज आखिर कौन नहीं खेलता, और शतरंज जैसे गेम को खेलते वक्त हमारी शतरंज की गोटियां कई बार खो जाती हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नट बोल्ट की मदद से आप अपनी गोटियों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन में सफर हर कोई करता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई बार ट्रेन में सीट नहीं मिलती, तो आप इस ट्रिक को अपना कर ट्रेन में आराम से सोते हुए सफर कर सकते हैं। ये क्या है ताबे? लीजिए दोस्तों, पेशा अंग्रेजों के टाइप का टॉयलेट। अगर आपको कुबड़ू होकर हगने में दिक्कत होती है तो अब आप ऐसी कुर्सी बनाकर आराम से पॉटी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद इन जनाब को गोलगप्पे का पानी पसंद नहीं आया होगा। सही बात है, अपना अपना स्वाद होता है सभी का, तभी तो ये गोलगप्पे में किंगफिशर डालकर खा रहे हैं। और दोस्तों, अब आप बिना चिंता किए मंदिर भी जा सकते हैं, वो देखिए कैसे। और दोस्तों, ये रहा हमारा सबसे देसी जुगाड़ू ट्रैक्टर जो बना है रोड रोलर। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, कोई ड्राइवर की सीट ले गया? कोई नहीं, वैसे भी हमारे भारत में बहुत से देसी साइंटिस्ट बैठे हैं, तो ये हो गया इसका भी जुगाड़। दोस्तों सही बताएं तो घरेलू चीज के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, और एक कमबख्त प्याज अपने दाम से तो रुलाती ही है, साथ ही अपने काम से भी रुलाती है। लेकिन हम तो ठहरे डीड भाई, ये लीजिए घरेलू समस्या के लिए भारतीय घरेलू जुगाड़। अब दोस्तों यहाँ देखिए, गजर है कमाल की टेक्नोलॉजी, यहाँ तो विज्ञान को भी पछाड़ दिया गया है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जानी हम वो है जो नदियों का रास्ता बदल दें। ये तो सिर्फ एक टोटी है भाई। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्ती हो तो ऐसी जिनके जैसी कुर्सी का आनंद भी आप उठा सकते हैं। दोस्तों इस असेंबल्ड पीसी का तो क्या ही कहना, क्यों है ना। दोस्तों आजकल के बच्चों का कोई जवाब नहीं है, ये देखिए उन्होंने कैसा दिमाग लगाया। किसने कहा घर पे रहकर ड्राइविंग की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती? इस देसी जुगाड़ से आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कार नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, कार की जैसी फिलिंग तो कर सकते हैं, वो भी इस देसी जुगाड़ से। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कूलर एक और कमरे दो जिसमें बराबर की हवा जा सकती है? और दोस्तों इस नल को चलाने के लिए आपको तो चाबी घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपके पास शीशा नहीं है तो क्या हुआ, लैपटॉप तो है ना। और अब आप सीडी का इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बिना खर्च के शार लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लगता है इस घड़ी का तो वक्त ही खराब है, लेकिन देखकर तो यही लगता है कि जिसने भी इस घड़ी का वक्त सही किया होगा उस बंदे का भी दिमाग खुराफाती जरूर होगा। और दोस्तों इस लॉक को लगाने के बाद आपको अपनी गाड़ी की पूरी सुरक्षा का एहसास होगा, और इस दूध में आप देख ही सकते हैं कि आयरन की कितनी शक्ति है। दोस्तों अब आपको पानी गर्म करने के इंतजार से मिलेगी छुट्टी, ये देखिए कैसे, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है इसलिए संभल के। अफसोस दोस्तों, कितना बुरा हुआ कि हम इस जुगाड़ू आदमी का चेहरा ही नहीं देख पाए। तो दोस्तों कैसा लगेगा आपको, दिन में मोटर का काम और रात को मोटरसाइकिल का? दोस्तों अगर आपका भी सीपीयू गर्म रहता है तो इस नुस्खे को अपनाकर आप भी अपने सीपीयू को ठंडा कर सकते हैं। वैसे तो आपने क्रिकेट मैच में विकेट देखा ही होगा, लेकिन ऐसा अनोखा विकेट आपने शायद ही देखा होगा जैसे हमें शायद खूंटे से बांध के रखना पड़ सकता है। तो ये लीजिए दोस्तों, पल्सर 220 200 लीटर की क्षमता के साथ। तो क्यों जनाब, इनमें से कौन सी छतरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्यों भाई, एसी है ना, फ्रिज की क्या जरूरत है।
इस देसी जुगाड़ से आप घर में जगह भी बचा सकते हैं और बिजली का बिल भी। तो ये लीजिए दोस्तों, हाजिर है 21वीं शताब्दी का मॉडर्न कूलर। और दोस्तों अब साइकिल को कीजिए रॉयल एनफील्ड में तब्दील, देखिए कैसे। अब जनाब इसे सूंघने के बाद तो मच्छरों की पार्टी हो जाएगी और ये दारू के नशे में सोते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। आपने कभी भी अपनी साइकिल को मॉडिफाई करके देखा है? अगर नहीं तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी ब्रांड के जूते नहीं ले सकते तो घबराइए मत, इन जनाब से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्यों जनाब, याद है ना पापा के साथ स्कूटर पे खड़े होकर सफर करना? खैर अब की जनरेशन को स्कूटर पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस ट्रिक के जरिए। क्या आपने कभी इंजन बिना बाइक देखी है? अगर नहीं देखी तो ये लीजिए हाजिर है बिना इंजन की बाइक। ये लीजिए दोस्तों, अब आपका सामान कोई चोरी कर ही नहीं सकता। ये दोस्तों देखिए सीपीयू का नया अवतार, सेकेंड हैंड सीपीयू लाए और उससे घर को सजाएं। दोस्तों ये साहब शायद पाषाण युग से टीवी देख रहे हैं, आलसी इतने कि बचपन से ही लोगों ने इनके आलस का लोहा मान लिया था। और इनके इस चमत्कारी गुण से प्रभावित होकर इनके दूर के फूफा जी ने इनका नाम रखा आलस। अब आप ही देखिए, जनाब ने बिल्कुल नया आविष्कार किया है, रिमोट पूरे कंट्रोल में है। हे भगवान, अगर ये आलसपना हमने दिखाया होता ना, पिताजी खींच के मारते। लीजिए दोस्तों अब हाजिर है देश के सबसे किफायती 2 सीटर रेसिंग व्हीकल। धूप गर्मी बरसात से बचने और सड़क पर बेधड़क चलने का सबसे सस्ता अंदाज देखकर तो ऐसा लगता है जनाब के जहन में एक ही बात चल रही हो कि मेरी मोटरसाइकिल कार से कम है क्या। दोस्तों अब जरा यहाँ देखिए, सपना था उड़ने वाली बाइक का, पर पबजी का मारा ये बेचारा, करता तो क्या करता। शौक बड़ी चीज है वैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बाइक का नाम क्या है? अरे भैया ध्यान से देखिए, बाइक का नाम है चाहत। चाहने वालों की पहली पसंद चाहत। दोस्तों इस कुर्सी को देखकर तो यही लगता है मानो ये कह रही हो, अरे भैया अब तो छोड़ दे और कितना तोड़ेगा। एक कुर्सी की हाय लगेगी तुझे, और हाय भी ऐसी जगह लगेगी कि फिर तू कभी बैठ नहीं पाएगा किसी कुर्सी पे। और दोस्तों अब देखिए बात ऐसी है कि हमने साइकिल छोड़कर बाइक तो ले ली, लेकिन जनाब देखिए हम ठहरे जमींदार, साइकिल छोड़ दी तो क्या इसकी घंटी को थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब ये तो केवल हम ही जानते हैं इस घंटी ने हम पर कितना उपकार किया है, जिसकी वजह से प्यार तो हमें मिला ही, साथ में तो बच्चे भी मिले। ये लीजिए दोस्तों हाजिर है। अब आप अपनी फटी पुरानी जींस से पेंट का ब्रश होल्डर बनाओ। दोस्तों अब आप इस देसी जुगाड़ से एक एसी से 2 कमरे में मजे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास रोटी बेलने के लिए चकला बेलना न हो तो आप बियर की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों लोगों को हमारे देश से कुछ सीखना चाहिए, यहाँ सस्ते महंगे की बात नहीं है बल्कि ये लोगों की कला है, उनकी रचनात्मकता है जो इतनी सारी चीजों को जोड़कर काम की चीज बना देते हैं और जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा देसी जुगाड़ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। और यहाँ पे भी वीडियो खत्म, अब आते हैं रिव्यू की तरफ। क्या दिमाग लगाया अबे मैं तो शॉक्ड हो गया। तुझे कौन सा अच्छा लगा बीच में? यार मैं मतलब वो अगर वो जो पेट वाले में थोड़ी ऐसे लेटा है बोटा आजा पेट उसका बाहर था बेंच पे लेटा है स्टूल पे ना बेंच पे सॉरी तो पेट बाहर निकल रहा है आगे से लकड़ी उसने रखी। तुझे बहुत अच्छा लगा वो भी मतलब और भी काफी यार मजे के जुगाड़ थे। ऐसी देख ऊपर से ऐसी वो घुमा के तोड़ा हुआ है दरमियान दोनों कमरों में ऐसी दोनों में मजे। और मुझे जो अच्छा लगा है ना वो है जो कूलर के साथ पेंट लगी तो दोनों कमरों में जा रहा वो भी वो देख ना ऐसी जुगाड़ था मतलब। और वो जो मोटरसाइकिल वाले ऊपर सोलर लगा हुआ नीचे दो पंखे भाई एक किस्म का धूप से भी बचो ऊपर से ठंडी हवाएं भी क्या बात है। अब आप मिलेगी सब कुछ मतलब फिट एक किस्म का माहौल होगा सीरियसली। और बकाया यार जो एक कुर्सी थी वो कितनी टूट फूट चुकी थी उसको भी जोड़ जाड़ के किस तरह वो भी बोल रहा था कुर्सी भी बोलती होगी कितना तोड़ेगी होगी। और देख ना बैल जो लगाया था गन्ने का जूस निकालने के लिए जनरेटर होता है ना मशीन की जगह बैल घुमाएगा फिर वो बैल भी कहता होगा काम फंसा दिया वो भाई पेट्रोल की बचत उसमें और भाई फ्री का बैल घूम रहा है जूस निकल रहा है कोई मसला ही नहीं है ना किसम की ट्रैकिंग के बाद मौजूद है। और भी बहुत सारे जुगाड़ थे जिसमें वो एक मतलब पीसी था ठीक है उसका वो पुराना सीपीयू उसको लगाया हुआ है बीयर से वो जो मतलब यार देख के दंग हो जाए। आप भी बताओ यार कमेंट में आप लोगों को कौन कौन से मतलब पसंद आए वही ना तो बताओ अपनी भी चॉइस है आप जो और एक या कुछ आप इनमें से ट्राई कर चुके हो या आपने कोई न्यू
जुगाड़ ट्राई किया तो वो भी आप बता सकते हैं। और वो एक सीपीयू जो दीवार सा लगा के उसको बुके और बीच में और गंद भरा डालना डाला हुआ था वो भी बहुत आयरन इस दूध में आयरन दो है नीचे आयरन लगाई उसको डाल रहे हैं इस दूध में आयरन दो है सही बात है सही बात वायरल था उससे और वो भी बहुत मजे का था टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह पे पट्टी के अंदर लगाने मतलब यार क्या दिमाग है वो लेने की जरूरत ही नहीं है भाई तभी तो बाहर के कंट्रीज के भी लोग ईरान होते हैं कि भाई इंडियंस जैसे जुगाड़ लगा कहां से सही बात है बड़े हैवी किस्म के जुगाड़ लगा सही बात पर आप लोग लाजमी बता लगे कौन से जुगाड़ ट्राई और बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं होप कि आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत बहुत ख्याल रखना अल्लाह हाफिज नमस्ते एंड सत श्री अकाल।